आज हम इस पीडीएफ में बात करना चाहेंगे आपका केमिस्ट्री की प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। हम जब एग्ज़ाम्स की बात कर रहे होते हैं तब हम मेनली दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो आप केमिस्ट्री कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंड एक आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे वो आप CBSE बोर्ड के हो, ICSE बोर्ड के हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए। तो इसके लिए आप अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, इसके बारे में हम इस PDF में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ये जो आपकी NCERT बुक्स होती हैं, आपको अपनी NCERT को पूरी तरह से पढ़ना होगा। उसे पूरी तरह से आपको बिल्कुल घोल के पी जाना पड़ेगा। आपको जितनी भी उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक भी चैप्टर में जितने उसके पॉइंट्स आते हैं, सबको समझने पड़ेंगे। सबका सिस्टमेटिक वे सब स्टडी करेंगे। NCERT बुक्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो भी एग्जांपल्स आते हैं, वो सारे के सारे आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप ये क्लास 11 का फर्स्ट बुक देख लीजिए, जिसमें आपके चैप्टर 1 से 7 तक हैं। इसमें भी जितने सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल में ले लीजिए, आपके बैक क्वेश्चंस ले लीजिए, सारे के सारे आपको सॉल्व करने चाहिए और सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कहीं से देख के सॉल्व कर ले, आपको समझना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, कि इसमें कौन से कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट को अप्लाई करने में काफ़ी डिफरेंस आता है। आपको ना कि कंसेप्ट सिर्फ समझना है, आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना भी आना पड़ेगा। यहाँ बेसिकली आपको फिज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर फर्स्ट बुक में आपको अंदाज़ा लगाया जाता है। फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में सब कुछ कहा जाता है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट से लेके एटम्स, फिर आपकी पीरियोडिसिटी एंड आपके केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इन सब के बारे में इस फर्स्ट बुक में आपको कहा गया है। इस फर्स्ट बुक में आपको पहले से यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल्स को करना आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स, उनके यूनिट्स, इन सब के बारे में भी पता चलेगा। तो इन सबको कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो कैसे डेवलप करनी है, वो आपको सीखनी होगी। नेक्स्ट, आपको जो ये टेक्स्ट बुक आ जाता है, जो आपका Part 2 है क्लास 11 के लिए, इसमें आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर ले जाया जाता है, जहाँ आपको पहली बार थोड़े से रिएक्शंस एंड रिएक्शंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उनके रिएक्शंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एंड आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ग्लिम्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्शुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड इन नए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी आपके जितने भी NCERT के प्रॉब्लम्स हैं, आपको सबके सब करने होंगे, और आपके जो NCERT एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी आपको देखने होंगे। अब क्लास 12 की बुक देख लेंगे, तो ये भी फर्स्ट पार्ट में आपको पहले हिस्से में आपका फिज़िकल एंड देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे क्लास 11 में, आपको सब के सब पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान देना होगा फर्स्ट कुछ चैप्टर्स में, देन आपका कंसेप्चुअल बेस्ड आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर आ जाता है, एंड आपका जो Part 2 आ जाता है, ये आपका पूरी तरह से ये आपको बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर ले जाती है, जहाँ आपको न्यू कंसेप्ट बिल्डिंग एंड ऑल्सो आपकी जो किस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे याद रखेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको, जैसे कि ये सब सारे रिएक्शन मैकेनिज़म्स, कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ऑर्गेनिक जो है वो बिल्कुल भी ट्रिगोनोमेट्री जैसी होती है, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके रिएक्शंस, उनके साथ कौन सा रिएजेंट है, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, ये आपको याद रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये रिएक्शन सॉल्विंग जो स्किल होती है वो आप में बिल्कुल नहीं आएंगी। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल ही पूरी तरह से बैक के जो भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के ख़त्म पे, एंड जो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं, वो सब के सब करने होते हैं। बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए इन चारों, आप कोई भी बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लास 11 के फाइनल बोर्ड्स दे रहे हो, या क्लास 12 में आपका जो फाइनल बोर्ड्स एग्ज़ाम है वो दे रहे हो, आपको NCERT आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड आपको NCERT जो है, आपको पूरी तरह से सब कुछ देखना है जो NCERT में है। NCERT ना कि सिर्फ आपको
यहाँ आपके बोर्ड्स में स्कोरिंग के लिए मदद करती है, बट आपको कंसेप्चुअली बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक्स एनसीईआरटी जो है वो बेसिक्स आपको पहले देती है, जो कि केमिस्ट्री में आप लोग पहले पहले बार आए हैं तो पहले समझने के लिए कॉन्सेप्ट के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी से सब कुछ पहले से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को ही आखिर आप कंसेप्चुलाइज एंड आपको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे उसके प्रॉब्लम्स, तो आप जो हायर लेवल है उसको उस तक आप नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए पहले इन किताबों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना होगा, एंड देन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कुछ और भी मतलब हेल्प हो जाए, आप और प्रिपेयर करना चाहते हैं बोर्ड्स के लिए या फिर थोड़े से उसके हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप बिल्कुल ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के लिए थोड़े से और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपकी मदद करेगा। जो एनसीईआरटी में आपका केमिस्ट्री के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर के वो सॉल्व करेंगे। जैसे आपको लगता है कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं, आप ये ईजिली कर पा रहे हैं, तब आप जाके आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेंगे। यहाँ पे भी पहले आप जो सॉल्व है वो करेंगे एंड फिर जो सॉल्व नहीं है वो हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। ये आप आपके एडिशनल प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है और तैयारियां करनी हो तो आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बुक्स आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप बोर्ड्स के लिए इतना भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका केमिस्ट्री का बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करेंगे, आप अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप्ड कर लेंगे, और नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है कि कंसेप्ट को एक कंसेप्ट से एक एप्लीकेशन बेसिस पे कैसे ले जाना है, ये जो आपको तरीका है ये आपने एक बार सीख लिया तो आप डेफिनेटली केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रिलिमिनरी से एनसीईआरटी एग्जाम्पल से शुरू करके एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स तक आप जा सकते हैं।